देश की मशहूर गायिका और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। बीते कल यानी कि 6 फरवरी को मुंबई के शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार किया गया। लता मंगेशकर के निधन पर कई राज्यों ने 2 दिनों का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया है। वहीं कुछ असामाजिक तत्व ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पर लता मंगेशकर के मौत का जश्न मना रहे हैं। इनमें से कई सारे लोग स्माइली रिएक्शंस भी दे रहे हैं। एक ट्विटर हैंडल ने जब लता मंगेशकर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, तब हमदान अंसारी नामक एक ट्विटर हैंडल ने स्माइली वाले 5 इमोजी शेयर करके लता मंगेशकर की मौत का मजाक बनाया। इसके बाद कुछ ट्विटर यूजर्स ने यूपी पुलिस से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। हमदान अंसारी ने एक और ट्वीट में लिखा, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि लता मंगेशकर को जहन्नुम में जगह मिले, लेकिन उसका तो वहां भी नसीब होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि यूपी पुलिस को टैग किए जाने के बाद डर के मारे उसने अपने ट्वीट्स को बाद में डिलीट कर दिया। वहीं मोहम्मद शाह आलम नाम के एक व्यक्ति ने लता मंगेशकर से जुड़ी एक खबर पर कमेंट करते हुए लिखा, अच्छी गायिका थी लेकिन ये भी विवादों से घिरी रहती थी, मौका परस्त और स्वार्थी चरित्र वाली थी। ये वही है जब इनके घर के सामने फ्लाईओवर बन रहा था तो इन्होंने देश छोड़ने की धमकी दे डाली थी। ये वही है जिन्होंने कई गायकों का करियर को बर्बाद कर दिया। इन्होंने गद्दारों को महान बताया। गद्दारों को महान बताने वाला भला भारत रत्न कैसे हो सकता है। इसी तरह मनवीर सिंह नामक एक ट्विटर यूजर ने लिखा, लता मंगेशकर पर RIP लिखने से पहले ये जान लीजिए कि वो RSS समर्थक थी। उन्होंने नाजी विचारधारा को समर्थन दिया था। हालांकि यहाँ बात नोट करने वाली ये है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब सोशल मीडिया पर ऐसा पहली बार हुआ हो। जब CDS बिपिन रावत की मृत्यु हुई थी तब भी कुछ लोगों ने उसका जश्न मनाया था। इसी तरह वर्ष 2019 में जब पुलवामा हमला हुआ था तो पुलवामा हमले के बाद भी कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर ऐसा ही किया गया था। और अब लता मंगेशकर के मृत्यु के बाद भी कुछ लोग सोशल मीडिया पर आकर स्माइली रिएक्शंस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और लता मंगेशकर के मौत का जश्न मना रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। हालांकि इनकी जो मानसिकता है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आप इस पूरे खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में आएं, आपकी राय को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.